मोतिहारी उगम पांडे कॉलेज में बिहार नवयुवक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत पांडे ने एक प्रेस वार्ता किया। इस अवसर पर बिहार नवयुवक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत पांडे ने कहा कि चंपारण में किसान छात्र मजदूर जिन विश्वास पर राज्य और केंद्र सरकार को वोट दिया था, आज वह सरकार जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतर रही है। हर एक विभाग के लोगों में आक्रोश व्यक्त है, सरकार के खिलाफ मुख्य रूप से किसान हैं। चंपारण में 583 स्टेट बोर्डिंग बने हैं किसानों को खेत में पानी पटाने के लिए, लेकिन एक भी ऐसा स्टेट बोर्डिंग नहीं है जिसमें एक भी बूंद पानी निकले, और आज किसानों को देखने वाला कोई नहीं है। इन्हीं मुद्दे को लेकर आगामी 31 जनवरी 2020 को नगर भवन के मैदान में अधिकार रैली का आयोजन होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी। आगामी 31 जनवरी 2020 को मोतिहारी नगर भवन के मैदान में हम लोगों ने एक अधिकार रैली का आयोजन जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप पूरे बिहार, चंपारण के साथ पूरे बिहार का माहौल देखिए। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी ने मिलकर जिन आशा उम्मीद से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वोट किया था, अपना विश्वास दिया था, उस विश्वास पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी है। इसलिए छात्रों में, नौजवानों में, किसानों में, मजदूरों में, व्यवसायी वर्गों में, शिक्षकों में, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में, हर प्रकार के लोगों में एकदम आक्रोश व्याप्त है सरकार के खिलाफ।